हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराया था। इस वीडियो में हम लोग अपडेट पे जैसे क्लिक करूंगा तो इस रिकॉर्ड को अपडेट करने की फंक्शनैलिटी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने एक्शन सबमिट के लिए बनाया है, उसी टाइप से हमें अपडेट के लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अगर यहाँ पे अपडेट हो तब ये यहाँ पे क्लिक हो तो साथ में यहाँ पे हमें आईडी मिले तब ये दोनों कंडीशन सही होगा, तो इसमें ये आएगा। और उसके बाद हम लोग इसमें $1 आईडी में इसे स्टोर कर लेते हैं। आईडी, अब इसमें मैं कंडीशन लगा दूंगा इफ जो जो वैल्यू डॉलर अंडर स्कोर रिक्वेस्ट, आप यहाँ पे चाहे तो गेट या पोस्ट भी लिख सकते, गेट लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए रिक्वेस्ट लिख रहा हूँ ताकि ये गेट या पोस्ट मेथड हो, दोनों में ये वर्क करेगा रिक्वेस्ट। तो यहाँ से हमारा जो EMP ID है साथ में रिक्वेस्ट EMP नेम $_ रिक्वेस्ट EMP ईमेल और उसके बाद $_ रिक्वेस्ट यहाँ पे EMP डेप्ट यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यू मिले तभी हम लोग इस पे अपडेट की क्यूरी चलाएंगे। तो अपडेट के लिए $WPDB नाम का ऑब्जेक्ट है, उस पे हम लोग अपडेट नाम का अपडेट मेथड में अपडेट पहले में $TableName जो हम टेबल नेम यहाँ पे ऊपर दे रखा है पहले से, और यहाँ पे हम लोग अपडेट के लिए की और वैल्यू का हम लोग एक एरे पास करेंगे। यहाँ पे की हो जाएगा EMP ID इस की में, और इसके बाद यहाँ पे हमें वैल्यू में पहले सेनेटाइज से कर लेते हैं, सेनेटाइज टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद $_ रिक्वेस्ट का EMP ID आईडी इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं बार बार। यहाँ पे EMP नेम नेम ईमेल ईमेल यहाँ पे सेनेटाइज ईमेल ईमेल और यहाँ पे EMP ईमेल। इसके बाद डेप्थ डिपार्टमेंट के लिए, तो मेरा जो
ईएमपी डेप्ट, आप जो भी आपकी की होगी यहाँ पे, ये की हम लोग यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे जो की है वो पास कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू जो सबमिट कराने के बाद सेव हो रहा है उसमें, ये जो यहाँ से वैल्यू एचटीएमएल के थ्रू आ रहा है इसमें, यहाँ पे इस यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेप्ट। इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे ईएमपी आईडी, ईएमपी यहाँ पे आईडी फील्ड है, आईडी के अंदर जो हम लोगों ने जो डॉलर आईडी ले रखी है आईडी, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्यूरी अपडेट का हो गया। इसको हम किसी एक वेरिएबल में अपडेट नाम से इसे सेव करा लेता हूँ। डॉलर डॉलर अपडेट इक्वल टू, अब इसमें चेक कर लेंगे कि अगर अपडेट हुआ हो तो इफ डॉलर अपडेट, अपडेट हुआ है तो डॉलर एमएसजी नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम लिख देते हैं डाटा अपडेटेड, और इसके अंदर एएचआरएफ के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट गेट पेज लिंक, करंट पेज का हमें लिंक ले लेना है। गेट पेज लिंक लिंक, और उसमें हमें गेट द आईडी पास कर देना है, करंट पेज की आईडी। इससे हमारा करंट पेज का यूआरएल निकल जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड एम्प्लो, एड एम्प्लॉय यहाँ पे लिख दिया, और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये मेरा मैसेज है डाटा अपडेटेड, और उसके बाद ये एड एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, एक वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एम्प्लॉय नाम का एरे बना लेता हूँ, डॉलर एम्प्लॉय। यहाँ पे एक डॉलर डब्ल्यू पी डी बी नाम का ऑब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करेंगे गेट रो नाम का, गेट रो से हमें डॉलर डब्ल्यू पी डी बी, उसके बाद प्रिपेयर प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज कर लेता हूँ। प्रिपेयर इसमें लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, डॉलर टेबल नेम, और उसके बाद वेयर कंडीशन लगाता आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी, जो हमारा आईडी है जो मिल रहा है आईडी से। और यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग प्लेस होल्डर यहाँ पे देंगे। प्लेस होल्डर में मैं परसेंट डी कर दूंगा क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है। और यहाँ पे एरे ए कर देता हूँ, एसएसटी एरे में चाहिए एरे ए आउटपुट में। इस तरह से अब हमें एम्प्लॉय की आईडी निकालनी है, ईएमपी आईडी, और यहाँ पे डॉलर अंडर डॉलर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर जो ईएमपी अंडर स्कोर आईडी। इसी तरह से डॉलर ईएमपी नेम और डॉलर एम्प्लॉय का यहाँ पे ईएमपी नेम, और यहाँ पे डॉलर ईएमपी ईमेल डॉलर एम्प्लॉय का
ईएमपी ईमेल, डॉलर ईएमपी डेप्ट, डेप्ट डॉलर एम्प्लॉय का ईएमपी डेप्ट, ये हमने सारे वैल्यू यहाँ पे इसमें स्टोर करा लिया। अब इसे हमें डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू पीएचपी अरेर इको, सॉरी इको डॉलर ईएमपी आईडी, इसी को मैं कॉपी कर करके यहाँ पे चेंज कर दूंगा। नेम यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे डेप्ट, डेप्ट और यहाँ पे एक्शंस में भी हमें पास करने पड़ेंगे। अगर एक्शन हमें भी चेंज करना पड़ेगा कि क्योंकि अगर एक्शन चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और फॉर्म में हमें जाना है, फॉर्म में यहाँ पे एक्शन में इको, पहले पीएचपी स्टार्ट इको, अगर अपडेट है तो यहाँ पे एक्शन में हमें ये पास करना है, नहीं तो सबमिट पास कर देना है। और यहाँ पे भी हमें और बटन का भी टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ ताकि पता लगे कि यहाँ से हम लोग सबमिट कर रहे हैं, तो इसको मैं कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और सबमिट में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, सबमिट का एस बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे अपडेट भी लिख देता हूँ, सेव कर लिया। अब मैं एक बार इसे रिफ्रेश करके और किसी एक रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ। अमित कुमार वाले रिकॉर्ड पे अपडेट बटन पे हमने क्लिक किया, तो आप देख सकते हो एक्शन में अपडेट भी आ गया और आईडी भी आ गई, यहाँ पे इसे वैल्यू नहीं आ रही। इस बार वैल्यू को हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे गलती कर रखा है, यहाँ पे हम लोग आईडी नहीं पास कर रखा है, तो पहले हम लोग आईडी पास कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे जो वैल्यू है मिल सके। तो यहाँ पे डॉलर आईडी, अब एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। अभी वैल्यू नहीं आ रही, एक बार चेक करूँ कहाँ पे ये इशू है, इसको अभी ये हमें बाहर रखने हैं। कंट्रोल एक्स किया और इस कंडीशन के बाहर, एक बार रिफ्रेश करते हैं। देख सकते हो ये सारा वैल्यू यहाँ पे आ गया, एम्प्लॉय आईडी आया, ईमेल नहीं आया और डेप्ट नहीं आया, तो ये चेक कर लेते हैं, ये हमने गलत कर रखा होगा। ईएम ईएमपी डेप्ट, ठीक है, ईएमपी ईमेल, एम्प्लॉय ईमेल, एक बार रिफ्रेश करके हम लोग चेक कर लेते हैं। ईमेल अभी मिला नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ।
ईएमपी ईमेल अच्छा यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है इसलिए यहाँ पे हमारा डाटा रिसीव नहीं हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो अमित कुमार में। अगर मैं इसी को किसी और आपको रिकॉर्ड को अपडेट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे रिकॉर्ड आपको मिल रहे होंगे, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो हम लोग को जो डाटा इसमें नहीं है इसी वाले को अपडेट करते हैं, आईटी वाले को। मैं एग्जाम्पल के लिए सारे डाटा को अपडेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वन है तो वन लगा देता हूँ, अमित कुमार को अमित के आर कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे अमित टेस्ट एट दी रेट 1 2 लगा देता हूँ। और यहाँ पे आईटी है तो मैं फाइनेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट बटन पे जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इशू हुआ है। पहले वो चेक कर लेता हूँ, 6 63 64 और इस लाइन पे दिक्कत है तो 63 में हम लोग चलते हैं 63। यहाँ पे हमने वैल्यू जो है सिंगल कोट में देना है। यहाँ हमने ये भी दे दिया, इसमें भी हमने यहाँ पे ये लिख दिया, और यहाँ पे ये डेप्थ में ये वैल्यू मैंने डाल दिया ताकि ये डिपार्टमेंट का भी। अब इसे मैं एक बार सेव करके आपको दिखाता हूँ। अभी भी इशू है, यहाँ डब्ल्यू पी अपडेट में हमें इशू लग रहा है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। अपडेट में यहाँ पे एरे हमने क्लोज कर दिया है, यहाँ पे एरे स्टार्ट है, एरे क्लोज कर दिया, और इस एरे को बंद कर देते हैं। दूसरा वेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेयर लिखा हुआ आ गया। ये मेरी एडिटर की फंक्शनलिटी है, आप में ये नहीं आएगा लेकिन आप वेयर मत लिख देना क्योंकि ये मेरे एडिटर के एडिटर में ऐसा दिखाता है। आपको सिंपल दूसरा एरे यहाँ पे ओपन क्लोज कर देना है, इस तरह से आप कर देना। और इसे हटा देना है क्योंकि मैंने एक एरर को पहले से बंद कर रखा। अब ये सही हो गया। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे हम अपडेट भी हो गया, यहाँ भी आप देख सकते हो। मैं इसी तरह दूसरे को मैं अपडेट करके दिखा देता हूँ। इसको 2 2 कर देते हैं, इसको भी राज कुमार को क्या कर देते हैं, उसके बाद राज एट द रेट जीमेल, और इसको फाइनेंस है तो आईटी कर देता हूँ, आईटी, और अपडेट कर देता हूँ। अपडेट देखिए डाटा अपडेटेड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय का भी ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहो तो इस पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हो। यहाँ डाटा अपडेटेड का भी ऑप्शन आया, आप देख सकते हो अपडेट हो गए हैं सारी चीजें। प्राइस को मैसेज को मैं सही कर देता हूँ, डाटा अपडेट जो लिखा हुआ है उसको मैं डाटा को भी बड़ा कर देता हूँ डी। अब हमें जैसे नया कोई ऐड करना हो तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 104 कर देता हूँ, अमित कुमार कर देता हूँ। इसके बाद अमित पहले ऐड है तो कोई और नाम दे देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। रमेश कर देता हूँ, इसे यहाँ पे भी रमेश, और यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट ही कर देता हूँ, या मार्केटिंग कर देता हूँ। सबमिट करूँगा तो यहाँ से
सेव सक्सेसफुली के मैसेज आ गया, यहाँ पे भी ऐड हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अपडेट करना, रिकॉर्ड अपडेट करना सीखा है। उम्मीद है कोई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई आपको इश्यू आती है या कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।